गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस डेली डिफेंस करेंट अफेयर क्लास माई सेल्फ दिव्यांगशु पांडे फैकल्टी ऑफ जी के एट एस एस बी क्रैक एग्जाम आप सभी का आज की सुबह बहुत बहुत स्वागत और आज की इस हम डेली डिफेंस करेंट अफेयर की क्लास में जानेंगे कि आपके सेकेंड और थर्ड फरवरी की कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड इवेंट्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट रह सकते हैं तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की और आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग जय हिंद गुड मॉर्निंग हिमांशी आकाश परत इंडियन आर्मी अनन्या बोनिशा सौरभ यादव सौर वीलता बलिदान और फटाफट आप सभी इस क्लास से जुड़ते जाइए और लाइक शेयर भी कर दीजिए साथ ही साथ कमेंट बॉक्स को एकदम जो है आप फायर इमोजी से भर दीजिए जिससे कि करंट बॉक्स एक, आपका कमेंट बॉक्स एकदम गर्म रहे जिससे कि आपके पूरी फुल जोश और एनर्जी डिपिक्ट होती रहे इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एस एस बी क्रैक एग्जाम इज द इंडियाज नंबर वन ई लर्निंग डिफेंस पोर्टल जहां पर हम आपको डिफेंस रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर रिटर्न कोर्स हो हम अवेलेबल कराते हैं जहां पर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ अपने ऐप पर प्रोवाइड करते हैं जैसे आपकी वीडियो लेक्चर्स डेली लाइव क्लासेस स्टडी प्लान्स स्टडी नोट्स डे वीकली एंड मंथली मॉक टेस्ट जिससे कि आप अपनी एक रैंक एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको और भी कितना मेहनत करने की जरूरत है उस ऐप में आपको डाउट काउंटर की फैसिलिटी भी मिलेगी हमारी फैसिलिटी से आप कंसल्ट करके अपने डाउट को सॉल्व भी कर पाएंगे साथ ही साथ ऑफलाइन एक्सेस सभी डॉक्स का साथ ही साथ जितने भी वीडियोस हैं उनका हम प्रोवाइड करते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस भी हम देते हैं साथ ही साथ हमारे जो सिलेबस होते हैं वो एकदम अप टू डेट होते हैं यानी कि जो सिलेबस आपकी एग्जामिंग बॉडी फॉलो करती है उन्हीं के बेस पर हम अपने स्टडी नोट्स को स्टडी प्लान्स को तैयार करके आपको प्रिपेयर कराते हैं ये हमारे कोर्सेस हैं इनके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं जैसे आपका एस इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एन डी एस सी डी एस एफ कैट एम एन एस एयरफोर्स एक्स एन वाई नेवी एम आर नेवी ए एस एस आर और बाकी जितने भी डिफरेंस इंट्रीज़ होते हैं जो कि बेहद एफोर्डेबल प्राइस में है इन कोर्सेज के बंडल्स भी अवेलेबल हैं जहां पर आपको थॉर प्रिपरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी साथ ही साथ ये जो आपकी डेली डिफेंस अफेयर क्लास चला करती है उसके आप पी हमारे ऐप पर साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और ब्लॉग चैनल को भी फॉलो करते जाइए जिससे कि आपको डेली बेसिस पे वहां पे इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे बच्चे जो हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं कोर्स को अवेल करना चाहते हैं अपनी तैयारी और भी बूस्टअप करना चाहते हैं वो इस वॉरियर टेन कोड को यूज करिए जहां पर आपको टेन परसेंट का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ तो फटाफट तैयार हो जाइए ओके और जानेंगे कि कल मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है और उसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए और इस क्वेश्चन ऑफ द डे का सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी देंगे बाइनियल एक्सरसाइज मिलन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन फेब 2022 विल बी हेल्ड इन गोवा कोची मुंबई या फिर विशाखापट्टनम सभी लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चन ऑफ द डे का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं सभी के कमेंट जो है प्रॉपर चेक भी कर रहा हूं सबके आंसर सही आने चाहिए ओके चलिए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तो ये आपकी जो मिलन एक्सरसाइज बाइनियल है ठीक है और ये इस साल आपके विशाखापट्टनम में कंडक्ट करवाई जाएगी विशाखापटनम में क्यों कंडक्ट करवाई जा रही है तो देखिए, ये एक्सरसाइज आपकी 1995 से स्टार्ट हुई थी ना? और ये अमूमन आपकी पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में कंडक्ट करवा करवाई जाती रही है मिलन एक्सरसाइज इज अ टाइप ऑफ अ एक्सरसाइज इन विच मोर देन फोर्टी नेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज जिसको इंडिया होस्ट करता है और इस बार ये पूरा पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाएगा कहाँ पर आपका विशाखा में ओके तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन ऑफ आप द डे अब बढ़ते हैं अपने इवेंट की तरफ और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बेहद क्रूशियल रह सकते हैं अपने कॉपी और पेन को लेकर आप साथ साथ बैठिए जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकें ओके

इस सममरीन को इस साल के आखिरी तक यानी कि 2022 तक इसको कमीशन करवा लिया जाएगा जिससे कि हमारी भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी और भी बूस्टअप होगी इस आपके सबमरीन को कौन कौन बनाए कंपनी बना रही है तो एमडीएल दैट इज मजगा डॉक लिमिटेड इसको आप नोट no डाउन कर लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और भी जानते हैं तो देखिए जैसा कि मैंने बताया स्कॉर्पियन क्लास की आपकी सिक्स टोटल पंडुब्बी बनाई जानी है सबमरीन्स और जिसमें से ये पांचवी आपकी आइनस वागीर है इससे पहले चार कौन कौन सी थी तो देखते हैं आइनस कलवरी ओके जिसका कमीशन कब किया गया था 2017 में किया गया था आइनस खंदेरी 2019 में किया गया था और पिछले साल यानी कि 2021 में टोटल टू सबमरी जो है इंडियन नेवी में कमीशन करवाया गया था ये कौन कौन सी है आइनस करंज और आइनस वेला मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी है और इस बार यानी कि अगर हम आइनस वागीर की बात करें तो इसको 2022 में जो है इंडियन नेवी में कमीशन करवा दिया जाएगा और ये अब अपने सी ट्रायल पर चली जा चुकी है अब हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट 75 क्या है प्रोजेक्ट 75 इंडिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पी सेवेंटी फाइव आई ओके तो देखिए ये आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंडिजीनियसली मेड स्कॉर्पियन पंडुब्बी बनाना है इसका मकसद टोटल कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है फोर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ रुपीज आ रही है और वो भी इसमें कितनी आपकी सममरीन्स बननी है छह सबमरीन बननी है और इसमें कौन सा सिस्टम लगाया जा रहा है तो ए आई पी दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रपलशन एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम एक ऐसा होता है कि जिससे सबमरीन्स ज्यादा से ज़्यादा देर तक आपकी जो है पानी के अंदर रह सकती हैं और अपना ऑपरेशन ऑपरेट कर सकती हैं प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आई 2007 में लाया गया था ना? और इस ये जो है आपका 30 ईयर का प्लान है जिससे कि इंडियन नेवी में इंडिजिनियस एक हम अपने पंडुब्बी बना सके और हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम रह सके साथ ही साथ प्रोजेक्ट 75I 75 फाइव आई सक्सीडेड दी सेवेंटी फाइव अंडर विच सिक्स डीजल इलेक्ट्रिक अटैक ऑफ द कलवरी क्लास हैज हैजिन मेड साथ ही साथ इसमें ट्वेंटी फोर टोटल भारत में बनना है जिसमें से आपकी छह आपकी न्यूक्लियर पावर होंगी भारत की पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन है आपकी आइनस अरिहंत है ठीक है आइनस चक्र को भी जो है हमने लीज पे लिया हुआ है और अब आइनस चक्र अब दूसरी भी आ गई है ठीक है तो ये और न्यूक्लियर पावर सबमरीन अभी इंडिया को चाहिए और जिस पर हम काम भी कर रहे हैं और ये स्कॉर्पियन क्लास की पांचवी जो आपकी सबमरीन है बागीर वो अपने सी ट्रायल पर जा चुकी है बाकी के चार आपने नाम जान लिए हैं ये पांचवे हैं आपकी चलिए आगे बढ़ते हैं और नेवी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिव्यूज पी एफ आर दैट इज प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू एंड मिलन प्रिपरेशन तो जो हमारे एडमिरल जी हैं जिनका नाम आर हरी कुमार है वो कल आपके विशाखापट्टनम के दौरे पे गए हुए हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का जायजा लिया साथ ही साथ इस बार जो आपकी इस महीने में मिलन एक्सरसाइज होगी उसका प्रिपरेशन उसका ऑपरेशन कैसे चल रहा है ये सब बातें उन्होंने जानी ठीक है देखिए जैसा मैंने आपको बताया मिलन इज शेड्यूल्ड एट विशाखापट्टनम लेटर दिस मंथ है ना इस मंथ के बाद मनाया जाएगा ऐसा नेवी के द्वारा कहा जा रहा है यानी कि मार्च में साथ ही साथ

और इसको पहले आपका पोर्ट ब्लेयर में कंडक्ट कराया गया था लेकिन इस बार क्या हो रहा है पोर्ट ब्लेयर से इसको विशाखापट्टनम शिफ्ट कर दिया गया है और यह आपके किस कमांड के अंतर्गत ऑपरेट किया जाता है तो ईस्टर्न नेवल कमांड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं ई एन सी कहते हैं ठीक है और ईस्टर्न नेवल कमांड आपकी कहां पे है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और इस बार के मिलन एक्सरसाइज में आपकी लगभग 46 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करेंगी तो ये दुनिया का सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज है जो कि भारत में कंडक्ट कराई जाती है ओके तो चलिए बच्चों समझ में आ रहा है तो बताते भी रहिए पे अगर आपको कोई भी डाउट लगे क्वेश्चन पूछना कमेंट कमेंट बॉक्स में करिए मैं आपके सभी के प्रॉपर आंसर कमेंट बॉक्स में दूंगा ओके तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक हम डिफेंस टाइप की न्यूज देखते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉल्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडो पैसिफिक डिस्प्यूट आप जानते हैं कि जो आपका साउथ चाइना सी है जो कि आपका वेस्टर्न पैसिफिक सी पर ओशियन पे लगता है वहाँ पर साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट बहुत चल रहा है साथ ही साथ चाइना ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी पूरा का पूरा उनका है और वहाँ पर इस कारण से सबसे ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटी जो है आपकी हैम्पर होती है इफेक्ट उस पर डाला जाता है और इसीलिए अभी ईयू ने यानी कि यूरोपियन यूनियन ने और इंडिया ने जो है एक रिजोल्यूशन पास किया है दे हैव कॉल्ड फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी तो ये एक ऐसा कानून है जिससे कि जो भी समस्याएं हैं उनका बैठ के जो निवारण किया जाता है और इसी रूल के तरह सभी को मानना होगा और सभी देशों को जो है अपने काम करने होंगे अब ये देखते हैं साउथ चाइना डिस्प्यूट डिस्प्यूट क्या है साथ ही साथ साउथ चाइना सी की लोकेशन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो देखिए चाइना ये क्लेम करता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उनका है साथ ही साथ जो पड़ोसी देश है यानी कि जो साउथ चाइना सी के कोस्टल रीजन वाले आपके कंट्रीज है जैसे आपका ताइवान हो गया ठीक है फिलीपींस हो गया ब्रुनोई हो गया मलेशिया हो गया वियतनाम हो गया वो भी कहते हैं कि हमारा इस रीजन पे क्लेम है और उस सी में जितने भी आपके वैल्यूबल ऑयल्स और गैस डिपॉजिट हैं हम उस पर अपना खनन करेंगे यानी कि अपनी ऑयलिंग प्रोजेक्ट की एक्टिविटी हम जारी रखेंगे जबकि चाइना का मानना है कि कहना है कि ये पूरा हमारा है अब लोकेशन देख लेते हैं तो देखिए ये आपके वेस्टर्न पैसिफिक लोकेशन में सिचुएटेड है और अगर हम बॉर्डनिंग स्टेट देखें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है कि इनमें से कौन कौन से देश जो है साउथ चाइना सी पर सीमा अपनी साझा करते हैं तो देखिए सबसे पहला आपका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फिर ताइवान फिलिपिन्स मलेशिया ब्रुनोई इंडोनेशिया सिंगापुर एंड वियतनाम ठीक है ये इतने सारे देश हैं जो कि आपके बाउंडरिंग स्टेट एंड टेरिटरीज हैं साउथ चाइना सी की मैप से और भी हमें क्लियर होगा कि इसकी अच्छी से लोकेशन क्या है तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं चाइना ठीक है चाइना का क्लेम है कि ये पूरा जो आपका साउथ चाइना सी है वो इनका है ठीक है और इसी सी पर कौन है आपका ये देखिए ताइवान है इस तरह का आपका फिलिपींस है इधर वियतनाम है वियतनाम अभी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है ठीक है फिर मलेशिया है ब्रुनोई है ठीक है और ये सभी देश है जुड़े हुए हैं आपके इस साउथ चाइना सी से और साउथ चाइना सी में सबसे ज्यादा किस बा, किस बात को लेकर लड़ाई है सबसे पहला ऑयल डिपॉजिट्स ठीक है दूसरा गैस तीसरा फिशरीज ना और यहाँ से वर्ल्ड का आपका लगभग सेवेंटीन परसेंट ट्रेड होकर जाता है ठीक है ट्रेड रूट है ये इस कारण से पूरे विश्व की निगाह इस पर है और ये सबसे बड़े बड़ी चुनौती बनी हुई है साथ ही साथ इसका मामला आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया हुआ था जहाँ पर उन्होंने ये फैसला दिया था कि चाइना को जो है जो वो क्लेम कर रहे हैं उसको छोड़ना चाहिए लेकिन चाइना ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है जो भी फैसला था उसको मानने से इनकार कर दिया था ठीक है चलिए फटाफट आप सभी जुड़ते भी जाइए लाइक शेयर करते जाइए जहां भी कोई भी दिक्कत हो पूछिए और आज मैं पूरी थोरो प्रिपरेशन आपको सभी इवेंट्स की कराऊंगा देखिए यूनियन होम मिनिस्ट्री रीस्ट्रक्चर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो तो देखिए ये जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री है ठीक है यानी कि भारत का गृह मंत्रालय उन्होंने अभी एक आपका नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आईबी है उसका फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करना और उसमें कम से कम बीस हजार से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसीज निकालना जिससे कि प्रमोशन बेहतर तरीके से हो सके और जितने भी वैकेंट प्लेस खाली हैं उनको हम फिलफिल किया जा सके अब चलिए जानते हैं कि आईबी के और भी बारे में तो देखिए आईबी इज इंडियाज डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो देखिए ये डोमेस्टिक इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है दो तरह की एजेंसीज होती हैं एक डोमेस्टिक होती हैं और एक आपका एक्सटर्नल होती है डोमेस्टिक में कौन आ जाता है आपकी आई आ जाती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कौन देखता है आपकी रॉ देखती है ठीक है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देखती है और ये दोनों ही आपकी आपके होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है 1887 में 1887 में जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी तब इसका नाम क्या रखा गया था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच रखा गया था अभी के करंट हेड कौन है अरविंद कुमार है और आईबी के जो भी हेड होते हैं वो आई ऑफिसर होते हैं यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस कैडर से लिए जाते हैं इनका मोटो क्या है ऑलवेज अलर्ट ऑलवेज अलर्ट संस्कृत में अगर कहें जागृतम अहर निशम जागृतम अहर इज द मोटो ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है नेक्स्ट इवेंट आर्मी चीफ डिस्कसेस डिफेंस कोऑपरेशन विद ऑस्ट्रेलिया अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जनरल मुकुंद नरवणे जी है वो उन्होंने अभी आपके भोपाल का भी दौरा किया साथ ही साथ कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वो हमारे जो आपका वेस्टर्न कमांड है आर्मी का वहां पे भी गए थे साथ ही साथ अभी जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट से बात की है और ये कहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपने बायोलेट्रल डिफेंस कोऑपरेशन बनाए रखेंगे और इंडियन ओशियन रीजन में साथ ही साथ आपके इंडिया पैसिफिक रीजन में जो है अपनी भागीदारी बना के ट्रेड को और भी बढ़ाएंगे साथ ही साथ किसी भी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना जो है एक साथ करेंगे और आप सभी बच्चों जानते हैं कि ये जो आपका क्वाड है ठीक है क्वाड उसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएसए चारों देश शामिल है ठीक है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री भी है और भी जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में तो देखिए इन जून 2020 ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर सेक्रेटरीज टू प्लस टू डायलॉग तो देखिए टू प्लस टू डायलॉग जो आपका मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग होती है जिसको डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में किया जाता है ठीक है हर साल किया जाता है ये डायलॉग इंडिया जो है आपका अमेरिका के साथ करता है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है रशिया के साथ करता है और साथ ही साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती हैं साथ साथ तो देखिए एक्सरसाइज मालाबार ऑसी इंडेक्स और पिच ब्लैक ठीक है ये दोनों ही एक्सरसाइज ये तीनों एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कंडक्ट करते हैं इन तीनों एक्सरसाइज का नाम आपको पता होना चाहिए और अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने जो है एक दो एग्रीमेंट साइन किए थे इन दोनों एग्रीमेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए ये आपके डिफेंस स्पेसिफिक एग्रीमेंट है इनका नाम क्या है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट और दूसरा डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ओके ये दो दोनों देशों के बीच साइन किया गया जिससे कि डिफेंस कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच बढ़ सके और एक इंटरऑपरेबिलिटी के साथ ये दोनों ही देश इंडियन ओशियन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन में अच्छे तरीके से अपनी भागीदारी बना सके चलते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ नेक्स्ट इवेंट आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है जी एस श्रीनिवास मूर्ति न्यू डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए बच्चों जहां पे भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए तो देखिए जी एस श्रीनिवास मूर्ति को जो है आपका डीआरडीएल का डायरेक्टर बनाया गया है जो कि कहां पे आपकी हैदराबाद में है ना और इन्होंने आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आंध्र यूनिवर्सिटी से 1986 में डी से जुड़े हुए हैं और ये जो आपके डीआरडीएल है डीआरडीओ की एक ब्रांच है जिसको नाइनटीन फिफ्टी में जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी ठीक है और अभी पूरे देश में डीआरडीओ की कितनी लेबोरेटरीज हैं क्योंकि ये भी डीआरडीओ की एक लैब है टोटल मोर देन फिफ्टी आपकी फिफ्टी प्लस जो है आपकी डी की लेबोरेटरी है ठीक है डीआरडीओ का फाउंडेशन डे हम कम मनाते हैं तो डीआरडीओ का फाउंडेशन डे हम हर साल एक जनवरी को मनाया करते नॉलेज uh, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट पे और नेक्स्ट इवेंट हम सभी के लिए हमारी सेनाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ए एल एच मार्क थर्ड हेलीकॉप्टर इंडक्टेड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड तो देखिए ए एल एच मार्क थर्ड इसको जो है आपके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका जो तीसरा वर्जन है यानी कि सबसे अपग्रेटेड वर्जन इसको भी इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिया गया है अब ये हेलीकॉप्टर जो है कितने हेलीकॉप्टर दिए गए हैं तो टोटल जो है अभी आपके थ्री एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं ठीक है और ए एल एच मार्क थर्ड प्रोग्राम के तहत जिसको कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में पोरबंदर गुजरात चेन्नई और कोच्चि में ठीक है जिससे कि ये हमारे कोस्टल रीजन्स की ठीक तरीके से अच्छे तरीके से निगरानी कर सके इसमें फीचर्स क्या क्या दिए हैं तो देखिए ये हेलीकॉप्टर आपके सर्विलांस रडार से लैस है इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉट से मेडिकल इंटेंसिव इसमें लगा हुआ है हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट है एस होमर है लाउड हेलर मशीन गन भी इससे लगी हुई है जिससे कि अगर कोई भी पायरेटिक पायरेटेड भी कोई आपका आ, कोई चैलेंजेस आते हैं तो पायरेट चैलेंज को जो ये काउंटर कर सके तो ये पूरी एक तरीके से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जिसको किसने डिजाइन किया है आपका एच ए एल ने किया है और इसको किस फोर्स को दिया गया है आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है और भी बातें जानते हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड को से जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भारतीय तटरक्षक अच्छा बल कहते हैं ठीक है तो देखिए इनके अभी के डीजी कौन है आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया है ठीक है वीरेंद्र सिंह पठानिया इसकी स्टेब्लिशमेंट किस एक्ट से की गई थी क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है तो देखिए 18 अगस्त 1978 में जो है आपका बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट ऑफ 1978 ऑफ द पार्लियामेंट से की गई थी साथ ही साथ ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है जिसके हेड कौन होते हैं भारत के रक्षा मंत्री जो अभी कौन है राजनाथ सिंह जी हैं इनका मोटो इनका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और इनका मोटो आप देख ही पा रहे हैं वयम रक्षामा दैट इज वी प्रोटेक्ट इज द मोटो ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड चलिए सभी बच्चों को मजा आ रहा है ठीक है क्लास में इंजॉयमेंट आ रही है तो कमेंट करते रहिए और फायर इमोजीज नेशनल फ्लैग भी आप सेंड करते रहिए जिससे कि आ, आपको मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ आप जो है एकदम फुल पावर फुल एनर्जी में है और जोश आपके अंदर कम नहीं हुआ है चलिए नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कल की एक न्यूज है ब्रह्मोस यूरान मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम अंडमान आईलैंड तो देखिए दो मिसाइलें फायर की गई ब्रह्मोस और यूरान मिसाइल ठीक है और ये किस कमांड से की गई है तो अंडमान है निकोबार कमांड से की गई है ना तो देखिए एक शिप है हमारा एल सी यू थर्टी एट उससे जो है कल ही इन दोनों मिसाइल की सक्सेसफुली लॉन्चिंग की गई है और इससे पहले और इसी मंथ में वैसे तो हम ये फरवरी लग गया है लेकिन जनवरी मंथ में आपकी टोटल टू सम ब्रह्मोस मिसाइल का जो है प्रक्षेपण किया गया था पहला आपका इलेवन जनवरी को किया गया था विशाखापट्टनम आइनस विशाखापट्टनम से और दूसरा आपका उड़ीसा के बालासोर से किया गया था 20 जनवरी को और इस मंथ में आपका पहली बार जो है आपका एल सी यू शिप से किया गया है दोनों ही मिसाइल यानी कि आपकी ब्रह्मोस और यूरान मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है ठीक है साथ ही साथ अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जाने तो ये एक आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि जेट इंजन पर काम करती है ओके जिसकी स्पीड आपकी जो रेंज आपकी 290 किलोमीटर है और इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 2.8 पॉइंट टू थ्री मैक स्पीड मैक मैंने आपको बता चुका हूं कि स्पीड ऑफ साउंड होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलता है या फिर उसके इक्वल चलता है तो उसको हम कहते हैं वन मैक 2.8 या फिर 3 मैक का मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट ये मिसाइल जो है आपके स्पीड ऑफ साउंड से लगभग तीन गुना तेज जो है रफ्तार से चलती है साथ ही साथ ब्रह्मो सेकंड की बात करें सो इट इज अ टाइप ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड और ये अभी आपकी डेवलपमेंट स्टेज में है जिसकी रेंज आपकी कितनी है फोर टू सिक्स किलोमीटर है और इसकी स्पीड आपकी सेवन मैक है वेलोसिटी okay, इज मैक सी पूछ रहे हैं सर होमर क्या होता है तो देखिए जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे आपके टेक्निकल इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं होमर भी एक तरीके आपका रडार और सर्च वाला इक्विपमेंट है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की एल एच मार्क थर्ड है उसको नाइट में भी ना रात में भी जो है आपका वो आसानी से ऑपरेट कर सके सर्च कर सके और किसी भी अनवॉन्टेड आपकी सिचुएशन को जो है न्यूट्रलाइज कर सके ओके नेक्स्ट इवेंट आपका और नेक्स्ट इवेंट पे चलने से पहले क्योंकि ये आपकी मिसाइल जो है अंडमान एंड निकोबार कमांड से जो है ऑपरेट करवाई गई है तो अंडमान एंड निकोबार कमांड के बारे में भी हम जानते हैं तो देखिए ये भारत का पहला ट्राई सर्विसेस थिएटर कमांड है ठीक है जहाँ पर तीनों ही फोर्सेज ऑपरेट करती हैं दैट इज इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स और आपकी इंडियन नेवी और ये कब क्रिएट किया गया था 2001 में किया गया था क्यों किया गया था क्योंकि हमको साउथ ईस्ट एशिया को देखना है साथ ही साथ अपने मलक्का स्ट्रेट को भी जो है करना है है प्रिजर्व करना ना क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा ट्रेड होता इसलिए इसको जो है वन में क्रिएट किया गया था अभी के इनके लेफ्टिनेंट जनरल कौन है यानी कि ऑपरेट कौन कर रहा है वहां पे कमांडर इन चीफ कौन है एएनसी के लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी हैं इन्होंने किसको रिप्लेस किया है इन्होंने

वो अपने आप को अगर एस एस इंटरव्यू में रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है जो गाइडेंस एस क्रैक एग्जाम देता है आप हमारे ई लर्निंग पोर्टल से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी साथ ही साथ आप डे फर्स्ट यानी कि स्क्रीनिंग से लेकर डे फिफ्थ कॉन्फ्रेंस तक के सभी प्रोसीजर सभी टेस्ट को जो है आप यहां पर जानेंगे कि आपको वहां पर कैसे सभी टेक्स्ट को टेस्ट को, को फॉलो करना है और बेहतर से बेहतर स्कोर लाने हैं जिससे कि आपका नाम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में आ सके साथ ही साथ ये कोर्सेज बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है वॉरियर टेन का कोड का यूज़ करेंगे तो आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और आप इन कोर्सेज से रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जैसे ओ आई साइकोलॉजिकल टेस्ट ना जिससे कि आपकी तैयारी घर बैठे और भी बेहतर हो और आप भारतीय सेना में अपना भविष्य बना सकें तो फटाफट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसके गो थ्रू होइए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए अब समय बच्चों आ जाता है रिव्यू क्वेश्चन का तो सबसे पहले आप ये बताइए जो अभी आपने पढ़ा आप सभी को समझ में आया क्लास कैसी अच्छी लगी ना अच्छी लगी कि नहीं और अच्छी लगी तो हम बढ़ते हैं अपने रिव्यू क्वेश्चन की तरफ तो फटाफट आप सभी कमेंट कर दीजिए जिससे कि मैं जान पाऊं कि हाँ आप सभी रेडी हो चलिए शैलेश भी रेडी शौर वीरता भी रेडी ओके पल्लवी ओके अनन्या तो सभी कमेंट करते रहिए और अपना जोश हाई बनाए रखिए फुल जोश फुल एनर्जी के साथ जो है पूरी क्लास को अटेंड करिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानकारी मिल सके और आप खूब नॉलेज लेके जो है अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने रिव्यू क्वेश्चन की तरफ और आपका पहला क्वेश्चन है वन एंड ओनली ट्राई सर्विसेस कमांड ऑफ इंडिया इज इन न्यू डेली चंडीगढ़ अंडमान एंड निकोबार या फिर वेस्ट बंगाल भारत की सिर्फ एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड कहां पर लोकेटेड है सभी के कमेंट्स आ रहे हैं और फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई करते चले जाइए जिससे कि मैं भी जान सकूं और आपके नाम भी मैं याद कर सकूं ठीक है इट इज दी वन एंड ओनली ट्राई सर्विसेज ऑफ कमांड इन इंडिया ठीक है और इसी से रिलेटेड आपका सेकेंड क्वेश्चन द अंडमान एंड निकोबार कमांड क्रिएटेड इन थाउजेंड ईयर 2001, 2003, 2005 या फिर 2006? वन थ्री फाइव सिक्स चलिए आप सभी के आंसर आ गए हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इन द ईयर ऑफ 2001 ठीक है इसको क्रिएट किया गया था अब देखिए अंडमान एंड निकोबार आपका कहाँ पे है तो ये एकदम सदन और यहीं पे आपका इंदिरा पॉइंट भी है ना आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में ये आपका अंडमान एंड निकोबार कमांड है जिससे कि हम अपने पूरे इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ ये देखिए ये जो आपका एरो है ना इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं और यहीं से पूरे वर्ल्ड का लगभग और इंडियन ओशियन से ठीक है वर्ल्ड का 80 परसेंट ट्रेड जाता है और अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो चाइना की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि वो अंदर आ सके ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी लोकेशन है जहां पर हमारे तीनों ही ट्राई सर्विसेस कमांड ऑपरेट करती हैं इसी से रिलेटेड आपका तीसरा क्वेश्चन हु एज्यूम्स चार्ज ऑफ ए एन सी दैट दैट इज अंडमान एंड निकोबार कमांड का चार्ज अभी किसने लिया है लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह उपेंद्र द्विवेदी या फिर आनिद्य सेन गुप्ता फटाफट बताइए बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए आप सभी के आंसर आ रहे हैं अनन्या हिमांशी अंशिका परत सौरभ हिम्मत गुरु सौरवीरता बलदान बलिदान अभिनाश राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ठीक है ये अभी जो है वहां के कमांडर इन चीफ है नेक्स्ट क्वेश्चन ए एल एच मार्क थर्ड मैन्युफैक्चर या फिर नॉन ऑफ दल का मतलब होता है आपका हिंदुस्तान एयरनॉटिक्स लिमिटेड और एम डी एल का है आपका मजगाव डॉक लिमिटेड तो फटाफट बताइए ए एल एच मार्क थर्ड किस कंपनी ने या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है फटाफट सभी कमेंट करिए जितने बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए शेयर भी करिए और सभी बच्चे हर क्वेश्चंस का प्रॉपर जवाब दीजिए जहां कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे सो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन बी एच ए एल ठीक है एच ए एल ने जो है इस हेलीकॉप्टर को भी बनाया है मार्क थर्ड को और किस फोर्स को दिया है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड को इसको दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट स्टैंड फॉर सबसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सेकेंड हाइपरसोनिक मिसाइल मिसाइल असिस्टेड असिस्टेड रिलीज ऑफ ऑप्शन सी सुपरसोनिक रेडिएशन ऑफ टॉर्पीडो या फिर ऑप्शन डी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो तो फटाफट बताइए और ये क्वेश्चन मैंने कल आपको पढ़ाया था और इसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था इसलिए आज मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं आपको कि आप सभी कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं सिंसियर हैं कि नहीं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओके सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो और इसको भारत ने बनाया है ठीक है और ये हम जो है ये टॉर्पीडो हम अपनी शिप और समरीन से लॉन्च किया करते हैं अगला क्वेश्चन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर नन ऑफ द एब आई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है कमेंट फास्ट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज गृह मंत्रालय ठीक है भारत के गृह मंत्रालय के तहत ये आपका आईटीबीपी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अटल टनल अब टेन थाउजेंड फीट एट रोहतांग बिल्ट बाय एम एच ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बीआरओ, आर इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तो इस अटल टनल को किसने बिल्ट किया किसने बनाया है फटाफट बताइए सभी चलिए इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और ये आपकी रोहतांग टनल इसको हम रोहतांग टनल भी कहते हैं ना ले मनाली को जोड़ती है और इसने जो है आपका 45 घंटे के समय को जो है 45 किलोमीटर की दूरी को जो है कम कर दिया है और ये लगभग आपकी 9.1 किलोमीटर लंबी है जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है नेक्स्ट क्वेश्चन आयनस सिंधु घोष इज अ मिसाइल डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफशोर पेट्रोल वेसल या फिर कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन तो आइनस सिंधु घोष इनमें से क्या है उसकी टाइप क्या है फटाफट बच्चे बताइए चलिए

न्यूजीलैंड फ्रांस या फिर इजराइल और एक्सरसाइज से रिलेटेड पक्का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग लग दो से तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि okay, 2021 में जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर जरूर से आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा ओके लेट्स सी द करेक्ट आंसर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन इंडिया फ्रांस ठीक है uh, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है और पिछले साल इसको जो है फ्रांस में कंडक्ट करवाया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एयर वाइस मार्शल रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज इक्वेलेंट टू विच रैंक इन द इंडियन नेवी कैप्टन इंस्पेक्टर रियर एडमिरल या फिर वाइस एडमिरल इंडियन एयरफोर्स की एयर वाइस मार्शल रैंक जो है इंडियन नेवी के किस रैंक के इक्वेलेंट होती है सभी को कमेंट करना नेसेसरी है ओके okay? जहां कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मुझसे पूछिए तो चलिए सभी के आंसर सही भी आ रहे हैं लेकिन ज्यादा बच्चे जो थोड़ा गड़बड़ जवाब भी दे दे रहे हैं चलिए आपके डाउट को मैं दूर करता हूँ सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज रियर एडमिरल ना एयर वाइस मार्शल तो देखिए ये कहां पे दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की ये रैंक है आपकी एयर वाइस मार्शल ये किसके नेवी uh, के रियर एडमिरल रैंक के इक्वलेंट होती है ठीक है और ये आपके टू स्टार जनरल वाली रैंक है और अगर हम इसी रैंक को इंडियन आर्मी में देख लें तो मेजर जनरल के इक्वलेंट है ना तो रैंक और रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो उनको भी आप फोकस करते रहिए ध्यान देते रहिए अगला क्वेश्चन वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स इज लोकेटेड एट न्यू न्यूडेली मुंबई गुरुग्राम या फिर लखनऊ फटाफट बताइए कि वेस्टर्न कमांड इन एयरफोर्स की इनमें से कहां पर है और अपना प्रॉपर टाइम लिया करिए ठीक है सोच लिया करिए उसी के बाद ही आप कमेंट किया करिए जिससे कि आप भी ये एकदम तरीके सुनिश्चित हो कि हाँ जो मैंने कहा है वो सही है तुक्का बिल्कुल भी ना मारा करिए चलिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए दैट इज न्यू डेली तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडियन एयरफोर्स की टोटल कितनी कमांड्स हैं आपकी सेवन कमांड्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं तो वेस्टर्न कमांड कहाँ पे आपकी न्यू दिल्ली में है जिसका जिससे रिलेटेड अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है फिर साउथ वेस्टर्न कमांड आपकी गांधीनगर गुजरात में है ठीक है फिर मेंटेनेंस कमांड आपकी नागपुर महाराष्ट्र में है सदर्न एयर कमांड आपकी तिरुवंतपुरम केरला में है ट्रेनिंग कमांड आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में है फिर ईस्टर्न कमांड आपकी शिलोंग में है ठीक है और सेंट्रल एयर कमांड जहां पे मैं खुद बैठा हुआ हूं प्रयागराज या फिर कह लीजिए इलाहाबाद में है समझ गए और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहता हूं इंटरव्यू ऑनलाइन की तैयारी और भी बेहतर करने के लिए आप एस एग्जाम क्रैक के ई लर्निंग पोर्टल से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर बना के आने वाले दिनों में रिकमेंडेशन लेकर भारतीय सेना की वर्दी भी अपने नाम कर सकते हैं तो आप सभी की जितने बच्चों की एसएसबी डेट्स आ गई हैं वो बेहतर तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं प्राइस बिल्कुल अफोर्डेबल है और एजुकेशन आपको एकदम क्वालिटेटिव प्रोवाइड की जाएगी ओके okay? तो फटाफट जुड़िए और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ और जानते हैं कि आज का आपका होमवर्क कौन सा क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज हेडेड बाय इंडियन आर्मी चीफ इंडियन एयरफोर्स चीफ इंडियन नेवी चीफ या फिर सीडीएस डी दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओके okay, इसका आंसर हम कल के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे सो स्टूडेंट बिफोर यू वाइंड अप आई वॉन्ट टू टेल यू दीज आर दी कोर्सेज विच आर रन बाई दी एस एस बी क्रैक एग्जाम लाइक एस एस बी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एनडीए सी डी एस एफ कैट एम एन एस सी ए पी एफ एंड मेनी मोर्स इन वेरी एफोर्डेबल एंड इन क्वालिटेटिव मैनर सो यू कैन अवेल दिस एंड द बंडल्स ऑफ दिस कोर्सेज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ओके और आप जो है डेली डिफेंस करंट अफेयर की क्लास की पी डी एफ हमारे ऐप पर साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और ब्लॉग चैनल पर भी ले सकते हैं आप उनको फॉलो भी करते रहिए क्योंकि नोटिफिकेशन और साथ ही साथ ये पीडीएफ हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देते हैं साथ ही साथ आप ऐसे बच्चे जो इंटरेस्टेड हमारे कोर्सेज में लेना चाहते हैं वो इस वॉरियर टेन कोड का यूज़ करिए जहाँ पे आपको टेन परसेंट की फ्लैट डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे मिलेगी आज चलिए हम शाम को फिर चार बजे मिलेंगे अपने एफ कैट की जीके पार्ट टेन को लेकर जहां पर हम जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो चलिए जय हिंद विश यू ऑल द बेस्ट स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट जय हिंद